अगर आप भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल आपको बता दें, जेके पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, जिसमें आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। एसआई रिक्रूटमेंट इस समय निकली है। क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए, क्या कुछ बाकी फॉर्मेलिटीज चाहिए, इस चीज की जानकारी मैं इस तक पहुंचाऊंगी। पर जितने भी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट्स हुए हैं वो इंतजार कर रहे थे एसआई की रिक्रूटमेंट के लिए, उन तक ये खबर जरूर पहुंचाए ताकि उन्हें पता चल सके कि सब इंस्पेक्टर के लिए भर्तियां होने वाली है और वो लोग भी इसके लिए अप्लाई करें। किस तारीख से किस तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे ये भी मैं आपको बताऊं। दरअसल 3 दिसंबर को जो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, 3 दिसंबर से लेकर जो है वो 2 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकेंगे। 3 दिसंबर को जो है वो इसके लिए लिस्ट खुल जाएगी, यानी कि जो विंडो है वो खुल जाएगी, जिसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इस भर्ती का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करूं, सब इंस्पेक्टर के कुल 669 पोस्टें जो है वो भरना है। भर्ती जो है वो पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। इसके लिए बताया गया है कि आप लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने चाहिए, आप जम्मू कश्मीर के मूल रूप से निवासी होने चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें बताया गया है किसी भी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है इस पर अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ बताया गया है सेवारत कर्मियों को छोड़कर जितने भी उम्मीदवारों की आयु जो है वो 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले ग्रेजुएट होने चाहिए और उसके बाद आपकी जो एज है वो 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। उनके लिए आयु सीमा जो है वो 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसके साथ ही साथ बताया गया है कि जो आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि जो है वो 1 जनवरी 2024 है। इसी के साथ मैं अब आपको ये बता दूं कि अब एग्जाम आप लोगों के जो होने हैं, इसके लिए पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है अप्लाई करने के लिए, जो कि jkssp.nic.in है। इस पर अप्लाई करने के बाद पूछे गए डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं और बाकी की तमाम जानकारियां आपको भरनी है। इसके लिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। JKSSB ने 650 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली है जो कि SI के लिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए है। जम्मू कश्मीर पुलिस में आप भी काम कर सकते हैं और 650 से ज्यादा भर्तियां जम्मू कश्मीर के लिए निकली है, तो आप लोग भी जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कीजिए। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खास जानकारी इसमें यह भी है कि आप लोग जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो विंडो है वो 3 दिसंबर को खुल जाएगी, यानी कि आने वाले 3 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के लिए ये अप्लाई 3 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे, यानी कि लगभग 1 महीने के लिए जो ये विंडो है वो खोली जाएगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर पुलिस यानी कि JKP विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। अब देखें, भर्तियां हो रही हैं, बच्चों को लंबे समय से इंतजार था कि कब सब इंस्पेक्टर के लिए भर्तियां होंगी। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो इंतजार इसके लिए कर रहे थे, तो अब ये बहुत अच्छी खबर उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक और अपनी राय को भी रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे कैमरा पर्सन गुलशन को, दीजिए इजाजत। जय हिंद।